नमस्कार, कारवां सितारों का और मैं यानी जेवी मनीषा आपके आज के कारवां में आपकी हमकदम। आज इस कारवां में जिससे मिलवाने मैं आपको अपने साथ लिए जा रही हूं, वे हैं श्री प्रकाश झा। 27 फरवरी 1952 बिहार में जन्मे श्री प्रकाश झा हमारे आज के कारवां के वे सितारे जिनकी रोशनी में कई सितारे जगमगा उठे। फिल्मी दुनिया की ऐसी शख्सियत जिसने कई कोणों से सिनेमा को समझा। निर्देशन के अलावा लेखन, निर्माण और संपादन में भी सिद्धहस्त। सिनेमा की सभी बारीकियों से परिचित। शायद यही कारण है कि उनकी फिल्मों में कमियां ढूंढनी काफी मुश्किल हैं। हो भी क्यों नहीं, यदि ज्ञान और अनुभव हम कदम हो तो त्रुटियों को जगह ही कहां मिल पाती है। जिंदगी मिलने से लेकर जिंदगी को जानने तक ये वो समय होता है जिसे हम बचपन कहते हैं, और किसी भी जिंदगी का बचपन यदि जानना हो तो जरूरी है कि उसकी जिंदगी के प्रारंभिक वर्षों को जाना जाए। कैसा था प्रकाश जी का बचपन, आइए जानें। बिहार के चंपारण जिले में, पश्चिम चंपारण का जो जिला मुख्यालय है बेतिया, वहीं मेरा जन्म हुआ। किसान परिवार से हूं मैं, बाप दादा की खेती, मेरा बचपन वहीं बीता। पिताजी मेरे गांव से पहले ग्रेजुएट थे और सरकारी नौकरी भी करते थे, तो बचपन की पढ़ाई यहाँ वहाँ, कभी दादा के साथ, कभी माँ बाप के साथ, बट उन्हीं शहरों में, बेतिया में खास करके। तो खेत, खेती, जमींदारी, इनका वाक्या जो है, इनसे वाकफत बचपन से। 9 साल का था जब बिहार में पहला आर्मी स्कूल खुला। बड़ी प्रशंसा सुनी होगी मेरे माँ बाप ने उसकी, और मुझे बोर्डिंग में पढ़ने को भेज दिया। उसके बाद सारा बचपन जो है वो सैनिक स्कूल तिलैया में ही गुजरा। बचपन और एडोलेसेंस जिसको जो भी कहिए, और जाना मुझे आर्मी में था, नेशनल डिफेंस एकेडमी की परीक्षा मैंने 68-69 में पास करी थी। लेकिन जुड़ाव नहीं हो सका आर्मी से। फिर मैंने 12वीं की परीक्षा दी और बिहार से फिर पढ़ने के लिए मैं दिल्ली चला गया। जिंदगी में एक समय ऐसा भी आता है जब हमारा अपने आप से परिचय होता है, हमें ये मालूम पड़ता है कि हमारा रुझान किस ओर है। प्रकाश झा जी को कब इस बात का पता चला कि उनका रुझान किस ओर है, आइए ये उन्हीं से पूछें। अन्य सभी लोगों की तरह प्रकाश जी ने भी स्कूल और फिर कॉलेज का मार्ग चुना था। फिजिक्स विषय लेकर वे दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद 1970 में पुनः खेतों की ओर घूम गए, लेकिन फिर 1972 में FTI यानी फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ने पुनः उन्हें अपनी ओर खींच ही लिया। ये बात है 1971 की। 1970 में मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में था। 1971 में जब मैं पूरी तरह से जिद पकड़ चुका कि मुझे अब आगे पढ़ना नहीं, तो मेरे माता पिता ने मुझसे आग्रह किया कि फिर ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, पेंटिंग करो, मूर्ति बनाओ, जो करना है, बट घर पे रहो, खेती बाड़ी है संभालो। हमारी अच्छी खासी खेती बाड़ी थी, तो खैर उससे तो मिट्टी से जुड़ाव तो बचपन से था ही। तो साल भर मैंने खेती की, 2 फसलें उगाई मैंने, रबी की और खरीफ की। तो अंततोगत्वा मैंने पिताजी से कहा कि अब बस हो गया,
आप वो चाहते नहीं जो मैं चाहता हूँ, और मैं पढ़ाई छोड़ चुका हूँ, खेती मैंने कर ली है और अब मैं अपने रास्ते जाऊँगा। नतीजतन 1972 में महज 300 रुपये मेरे पास थे और एक झोले में अपना सामान लिया मैंने और माँ बाप को विदा करके उनसे आशीर्वाद लेके मैं बंबई के लिए चल पड़ा अकेला। बिहार से बंबई, और केवल बंबई ही नहीं, विदेशों तक अपने कर्म और केवल कर्म का पहचान पत्र लिए हुए प्रकाश जी ने कितने देशों की यात्रा की, जहां उन्होंने पग पग पर बहुत कुछ सीखा। सीखने की ललक ही इंसान को सिखाती है। इस दौर में कितनी कठिनाइयां आईं, प्रतिकूलताओं से घिरे रहकर भी अनुकूलता की ओर अग्रसर इस दृढ़ निश्चयी व्यक्ति ने धैर्य का दामन कभी नहीं छोड़ा। जुहू सन एंड सैंड होटल में शूटिंग हो रही थी। पानी पिया, ना कहीं कुछ गया, ना खाया। वो देखता रहा मैं, और मैंने कहा कि ये मुझे ज़िंदगी में यही करना है, मैं डायरेक्टर बनूँगा। उन दिनों जब लगन लग गई तो फिर रेस्टोरेंट में काम करना, जब फुर्सत शाम को मिल जाए तो आकाशवाणी थिएटर होता था वहाँ क्लासिकल, इन यूनिवर्सिटी की परीक्षा भी दी यहाँ से। के लिए प्रयास किया, गोवा गवर्नमेंट से मेरे को मुझे सबसे पहली डॉक्यूमेंट्री असाइनमेंट मिलेगा। तो गोवा के कल्चरल एस्पेक्ट के ऊपर मैं अंडर द ब्लू करके मैंने पहली डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई। पैसे उधार लेके इधर से उधर से जैसे भी हो, सरकार का चूंकि सपोर्ट था, इसलिए जब डॉक्यूमेंट्री फिल्मों का सिलसिला शुरू हुआ 1975 से। तो ये 3-4 साल जो घर जब से छोड़ा था तब से कोई संपर्क नहीं रहा घर से, सिवाय इसके कभी कभार माँ की चिट्ठी आती थी अगर मेरा पता सही लग जाए, और मैं उनको चिट्ठी लिखता। पिताजी से तो संपर्क छूट ही गया था। ।1974 से फिल्म निर्माण में लगे प्रकाश जी ने यदि नियति को सम्मान किया तो वहीं अपनी ओर से मंजिल तक पहुंचने में कहीं परिश्रम में कोताही नहीं बरती। परिश्रम ही तराशता है तो पाषाण हीरे सा चमकता है। 1975 में मेरी पहली
डॉक्यूमेंट्री फिल्म सेंसर हुई 1975। लगता नहीं कि मैं 30 सालों से फिल्में बना रहा, लेकिन अच्छा रहा। मैं सिलसिला शुरू हुआ डॉक्यूमेंट्रीज का, करीब 5-6 सालों तक कई डॉक्यूमेंट्रीज बनाए फिल्म एग्जीबिशन के लिए, गवर्नमेंट के लिए स्पॉन्सरशिप जहाँ से मिल जाती, और विदेश में जाता रहता था बीच बीच में, जर्मनी, फ्रांस, लंदन, वहाँ भी लोगों से जान पहचान होने लगी, वहाँ भी यूनिट्स के साथ में कभी काम कर लेता। मैं समझता हूँ ये डॉक्यूमेंट्रीज बनाने का रेगुलर सिलसिला, फिर में एक लंबी सी डॉक्यूमेंट्री एक बैलरीना के जीवन पे मैंने 1979-80 में मैंने शुरू की, और यहाँ शूटिंग की उसकी, और उसके बाद वो चूँकि बॉल्शॉय मॉस्को में उन्होंने मेले की ट्रेनिंग की थी, तो मैं मॉस्को गया, मॉस्को से फिर मैं लंदन गया, मुझे काफ़ी समय लग गया पैसे वैसे जमा करने में उस डॉक्यूमेंट्री को बनाने में, बट तो 1980-81 दो साल जो हैं करीब करीब मैं लंदन में था, और फिर वही मतलब एक जो नज़रिया और काम करने का तरीका और सोच, वो एक अच्छा इन्फ्लुएंस था बीबीसी और आईटीवी क्रूज के साथ में, और उनके साथ महत्व का काम देख के 1981 में मैं वापस लौटा हिंदुस्तान, और बिहार शरीफ में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे 81 में। जब तक मैं आया दंगे दब गए थे, लेकिन काफ़ी तनाव का वातावरण था वहाँ। तो मुझे याद है एयरपोर्ट से लगभग सीधा मैं गया था फिल्म डिवीजन, और थापा साहब वहाँ चीफ प्रोड्यूसर हुआ करते थे, तो उनसे मैंने कहा कि मुझे यूनिट दीजिए सर, मैं जाऊँगा बिहार शरीफ। तो तुरंत उन्होंने, अगले दिन ही हम चले गए बिहार शरीफ, और एक फिल्म बनाई मैंने हिंदू मुसलमान दंगे पे, फेसेस आफ्टर स्टॉर्म। उस फिल्म को मेरा पहला बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। वो फिल्म इतनी शार्प क्रिटिसिज्म थी व्यवस्था और सरकार के ऊपर कि उसको बैन भी कर दिया गया, लेकिन उससे पहचान बनी, नया जीवन, नया जो मेरा प्रोफेशनल जीवन है वो 1981 से शुरू हुआ। उसी डॉक्यूमेंट्री को बनाने के दरमियान मैंने ये कहानी पढ़ी, कालसूत्र, जो शैवाल की लिखी हुई कहानी थी। शैवाल से संपर्क बना उन्हीं दिनों, गया के रहने वाले थे लेखक, अच्छे लेखक, और कालसूत्र को डेवलप करके दामुल की पटकथा लिखी, पहली फिल्म मेरी दामुल हो, इसकी कोशिश की गई, लेकिन मेरे मित्र मनमोहन शेट्टी, जिनको भी बहुत अच्छी लगी पटकथा, बट चूँकि ऑफ बीट फिल्म थी, इसको बैलेंस करने के लिए साथ में एक कमर्शियल फिल्म भी साथ में थोड़ी बने, वो भी टोटली कमर्शियल नहीं लेकिन अच्छी सी फिल्म, हिप्पी फुर्रे, उसकी भी पटकथा हम लोगों ने डेवलप की। तो विचार हुआ कि दोनों फिल्मों को एक के बाद एक शूट कर लें। थोड़ा अंतर आया, हिप्पी फुर्रे पहले बन गई, उसके रिलीज वगैरह में समय लग गया, उसके बाद फिर मैं गया दामुल, मैंने बनाई 81 के बाद से एक एक करके फिल्मों का सिलसिला, और डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई, टेलीविजन सीरियल्स भी। उसके बाद काम और पहचान और जीवन अपने रास्ते पर चल पड़ा। फ्रेंड्स टुगेदर, फेसेस आफ्टर द स्टॉर्म, डरपोक की दोस्ती, मे आई थिंक सर, हिप हिप हुर्रे, दामूल, परंपरा, लुकिंग बैक, एक और इतिहास, एन एक्सप्रेशन, कथा माधोपुर की से लेकर राहुल, गंगाजल और अपहरण, इनका सफलता पूर्वक निर्देशन कर चुके प्रकाश जी किसे देते हैं अपनी सफलता का श्रेय? पहली बात तो मैं ये नहीं मानता कि मैं
वो बहुत बड़ा और सफल आदमी हूँ। मैं संजोग की बात है कि जितनी भी चीज़ें की हैं उसमें ज़्यादातर लोगों को ठीक ठाक लगी हैं, लेकिन कई मायने में मैं बहुत सफल नहीं भी रहा हूँ। कई चीज़ें वैसी अच्छी नहीं हुई हैं। मैं कई बार एक आदर्श और अच्छे इंसान का रूप प्रदर्शित नहीं कर पाया हूँ। कई बार मैंने गलतियाँ की हैं, कई बार मैंने बहुत बेरुखी और क्रूरता से दूसरों के साथ बिहेवियर प्रदर्शित किया है। मैं सामान्य आदमी हूँ, मैं गलतियों से भरा और कोशिश करता हूँ कि सीखूँ, कोशिश करता हूँ कि जहाँ मुझे चोट पहुँचे वहाँ दूसरों को चोट ना पहुँचाऊँ। लेकिन कोई ऐसी बहुत बड़ी ख़ास बात नहीं है, मतलब अच्छे भले सीखते पढ़ते हंसते गाते जीवन निकल रहा है, कभी कभी कुछ अच्छा हो जाता है। जहां उन्होंने निर्देशन किया वहीं अपहरण, गंगाजल, दिल क्या करे, द डेड सेंटेंस, मृत्युदंड और दामूल में अपनी लेखनी के जौहर भी दिखाए। गंगाजल, दिल क्या करे और मृत्युदंड में उन्होंने संपादन भी किया। 4 अवार्ड्स तथा 6 नॉमिनेशंस के हकदार श्री प्रकाश झा जी की सम्मान तालिका कुछ यूं है। बैंकॉक फिल्म फेस्टिवल में 1998 में एशियन सिनेमा में बेस्ट फीचर फिल्म के लिए दी डेथ सेंटेंस मृत्युदंड ने अवार्ड प्राप्त किया। ये अवार्ड ऑडियंस अवार्ड था। फिल्म फेयर अवार्ड्स में 1985 में बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स में दामूल को और 2006 में बेस्ट डायलॉग के लिए अपहरण फिल्म ने फिल्म फेयर अवार्ड जीता। स्क्रीन वीकली अवार्ड्स में 2004 में फिल्म गंगाजल बेस्ट डायलॉग के लिए स्क्रीन अवार्ड से सम्मानित हुई तथा बेस्ट डायरेक्टर व बेस्ट स्टोरी के लिए नॉमिनेट की गई। जी सिने अवार्ड्स की चर्चा करें तो 2004 में गंगाजल को द बेस्ट डायरेक्टर के लिए पॉपुलर अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया तथा बेस्ट डायलॉग, स्क्रीन प्ले तथा स्टोरी के लिए टेक्निकल अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया। इतने सम्मानों से लदे प्रकाश जी अहंकार से कोसों दूर हैं। हर इंसान के पहलू में एक दिल होता है और उस दिल को कुछ पसंद होता है तो कुछ नापसंद। प्रकाश झा जी को पढ़ने और लिखने के अलावा क्या पसंद है और क्या नापसंद, ये उनसे बेहतर भला कौन बता सकता है। जब लोगों से सुनता हूँ कि किसी तरह का खास, मुझसे पूछते हैं कभी कि कौन सा खाना आपको अच्छा लगता है, तो फिर मैं सोचने लगता हूँ कि भूख लगे तो कुछ भी खाना अच्छा लगता है। और हर रंग के अपने मायने हैं, हर स्वाद के अपने मायने हैं। मुझे एकदम से बेसिक लेवल गांव की समाज नीति, राजनीति, जातिवाद, खेती, फसलें, किसान और यूरोपियन अवांतगार्ड सिनेमा और एग्जिस्टेंशियलिज्म और उसके सारी चीज़ें, उस तरह के कलाकार, लेखक और उस समाज से भी रूबरू और वहाँ रहा भी हूँ। दुनिया के किसी कई देशों में गया हूँ, हर जगह अपनी पहचान बनी है। तो एक जो ये क्रॉस सेक्शन रेफरेंस एक आदमी को जीवन में मिलता है, तो ये मुझे लगता है कि मेरी तकदीर है।
obviously I am a very active social living being, and I continue to reflect and talk about the society which I live in. और इस समाज में जिस तरह के भी परिवर्तन हो रहे हैं, अब लोग बिहार को आज एक जिस नज़रिए से भी देखें, लेकिन बिहार एक बहुत ही जीवंत राजनीति, समाजनीति, अर्थनीति का अखाड़ा है। और मैं इसका कंटिन्यूसली अध्ययन करता हूँ, मैं इसमें पार्टिसिपेट करता हूँ। किनारे पर बैठ करके कमेंट्स करना मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं हमेशा बीच में रहता हूँ, मैं उनके साथ। तो ये चीज़ें हमारी फिल्म में रिफ्लेक्ट करती हैं। जितना अधिक हम उनको जानने की कोशिश कर रहे थे, उतना ही हमें लग रहा था कि मानो वे अथाह हैं, विशाल हैं, अंतहीन हैं। उन घनी पलकों के नीचे कितने ही विचार आंदोलन कर रहे थे। इच्छा हुई कि उनसे और कुछ, बहुत कुछ जाने, और इसी इच्छा से प्रेरित हमने उनसे मांगा अपने जीवन के मार्गदर्शन के लिए संदेश। संदेश क्या है? जीवन बहुमूल्य है, और कोशिश करें कि हम जब भी जिएं, जहां भी जिएं, पूरी तरह जिएं, खुद के लिए भी, औरों के लिए भी, समाज के लिए भी, और जीवंत रहते हुए एक दूसरे का दर्द महसूस करते हुए जो कुछ भी बढ़ोतरी कर सके, चाहे अपने लिए करो, बट डू इट, डोंट सिट। प्रकाश झा जी अपने कर्म से देश व समाज में चेतना का प्रकाश फैलाएं, निष्ठा व परिश्रम का दामन थामे, दिन दूनी रात चौगनी शोहरत पाएं, देश विदेश हर जगह नाम कमाएं, बस यही है हमारी शुभकामनाएं। समय कहाँ ठहरता है किसी के लिए, और वो नहीं ठहरा हमारे लिए भी। लीजिए, अब वक्त आ गया कि हम आपसे इजाजत लें। कारवां के अगले सितारे से आपको मिलवाने के लिए हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जेवी मनीषा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।